अडियाला जेल में एक और केस की समाप्त हो गई, पाबंदियों के बावजूद भी मुलाकातें भी हो गई, जर्नलिस्ट भी अंदर गए, इमरान खान से बात भी हो गई। 9 मई का मुजरिम दंदनाता हुआ इस्लामाबाद में फिरता रहा, प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने गया, पार्लियामेंट हाउस आया और फिर आराम से चला भी गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तोशाखाना केस की भी समाप्त हो गई और अडियाला जेल पर जो गुज़िश्ता रोज़ पाबंदियाँ आयद की गई थी उनको चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील फंस गए, उस पर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे साइफर केस का अहवाल भी। नाज़रीन मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज नाज़रीन दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। अडियाला जेल पर आपको याद है गुज़िश्ता रोज़ एक जारी किया था इस पंजाब हुकूमत पे एक बरासता जिसमें ये कहा गया था कि अडियाला जेल को बहुत शदीद खतरा थे और फिर उसकी जो है वो अडियाला जेल की स्क्रीनिंग की जाए, उसमें जो है वो बम तराश किए जाए और फिर उसको क्लियरेंस की जाए, मॉक एक्सरसाइज की जाए, काफ़ी सारी हिदायत जारी की गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। अडियाला जेल में आज तोशाखाना केस की समाप्त थी, तीन गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो गए, सहाफ़ी भी चले गए, उसमें सभी इब्राहिम भी गए जो यूट्यूबर है और बिल्कुल धड़ल्ले से इमरान खान की बात करते हैं, वो भी गए, रिपोर्टर्स भी गए, इमरान खान ने उनसे बात भी कर ली। इमरान खान ने एक बार फिर ये कहा कि जो कुछ श्रीलंका में हुआ था वो अब होने जा रहा है, मैं पेशेंगोई कर रहा हूँ, और उनका ये कहना था कि मैंने जो पहले भी पेशेंगोई की वो भी दुरुस्त साबित हुई और अभी वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। इस दौरान में नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि पीटीआई के जानिब से ही ये कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है उसके ऊपर गौर करना चाहिए, उसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ये पाकिस्तान का मामला है, हुकूमत का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर का मामला है, ख़ासतौर पर सेक्टर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, और टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की लेबर फोर्स का इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों सेक्टर्स में टेक्सटाइल जो है वो और उससे रिलेटेड जो वैल्यू एडेड है वो 60% जो है वो लेबर फोर्स को बेयर करता है। अगर खुदा ना खास्ता ये GSP प्लस स्टेटस जो है वो PTI के वालों का मुतालबा मान लिया जाता है तो फिर आप सोचिए कि क्या हाल हो सकता है, और इमरान खान क्यों कह रहे हैं श्रीलंका का होने वाला है, जैसे आपको पता है कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था। इस दौरान में मोहम्मद फारूक ने चाय संभाल लिया, उन्होंने कुछ आउटलाइन की हैं चीनी आज की मीटिंग में, IMF के साथ कल मुज़ाकरात होंगे, यानी उनका चौथा उनका जो जायज़ा है इस शिशपाही का दूसरा जायज़ा होगा, और उसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ मिलने हैं। पाकिस्तान ने जो स्ट्रक्चरल जो इस्लाहात लानी थी उस हवाले से जो भी पाकिस्तान ने तय किया था वो सब कर दिया, उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया, और IMF को रिपोर्ट पेश की जाएगी, उम्मीद है ये $1 अरब 10 करोड़ मिल जाएंगे। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि IMF के साथ डील होने के बाद जो बाकी लेंडर्स हैं वो उनका एक अहतमाद कायम हो जाता है, और फिर पाकिस्तान को जो $25 अरब पे करने हैं उसमें पाकिस्तान को कुछ आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन इसमें औरंगज़ेब साहब जो हैं वो जो मैं गुज़िश्ता रोज़ ये कह रहा था कि ये पता चल जाएगा चंद रोज़ में कि औरंगज़ेब साहब क्या सोचते हैं, उन्होंने मज़ीद टैक्स लगाने की बात कर दी है, जबकि जो पब्लिक यानी आवाम के जो हमायती दानिश्वर हैं, इक्तसादी दानिश्वर कह लें, इक्तसादी माहरीन, वो ये समझते हैं कि ग्रोथ में इजाफा जो है वो बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान को नई मंडियाँ तलाश करनी चाहिए, उस पर हवाले से ग्रोथ में इजाफे के हवाले से मोहम्मद फारूक साहब ने अभी तक कुछ नहीं कहा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नाज़रीन अडियाला जेल में आज जो समाप्त हुई उसमें हमने जैसे आपको बताया कि तीन गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो गए, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ पाबंदियाँ लगी थी उसको आज चैलेंज किया, बशीर अफजल बरवत भी दरख्वास्त ले गए थे, सलमान सफदर और बाकी लोगों ने भी दरख्वास्तें दी हुई हैं, उसमें अदालत में जो सरकारी वकील थे अदालत ने उनसे कहा कि भाई ये पंजाब हुकूमत ये कैसे पूरी अडियाला जेल का कर सकती है, क्योंकि अडियाला जेल में तो इस्लामाबाद के भी कैदी हैं, और उनका ये कहना था कि अगर ये हो जाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे। उनका कहना था जो वकील थे सरकार के, उनका ये कहना था कि जेल मैनुअल के मुताबिक 15 दिन में एक मुलाकात हो सकती है, रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अदालत का ये कहना था कि बाकी PTI चाहे पार्टी के कायदे सियासी मुलाकातें कर लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, लेकिन क्या ये सियासी मुलाकातें बाकी कैदियों को उसकी इजाज़त है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अडियाला जेल में तकरीबन 6,000 के करीब कैदी हैं, गुंजाइश से कहीं ज़्यादा 4,000 की गलबन गुंजाइश और 6,000 कहते हैं कि कैदी हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मुझे याद पड़ता है वो 6,000 कैदी याद पड़ता है।
तो अदालत को ये भी देखना चाहिए कि जो बाकी कैदी हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, क्या उनको इस तरह की मुलाकातों की इजाज़त होती है पब्लिक में। और पीटीआई के लोगों का ये कहना था कि हमने सेनेट इलेक्शन आ रहा है तो हमारी पीटीआई से मुशावरत करनी है, ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग करेंगे? क्या शेर अफजल बर्वत ने सेनेट के टिकटों का फैसला करना नहीं? पीटीआई की क्यादत जो है इस वक्त वो या अली जफर है या बैरिस्टर गौहर है, वो दोनों जाए जाके मुलाकात कर लें, कॉपी पेन भी ले जाए बेशक। लेकिन ये क्या वजह है कि पीटीआई का हर आदमी कहता है कि जी मैंने मुशावरत कर ली और चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे मुशावरत कर, माजी पीटीआई ने माफ़ कीजिएगा क्योंकि अब चेयरमैन नहीं रहे, कि जी उन्होंने मुझसे मुशावरत करनी है। तो ये सारी चीज़ें अदालतों को देखने की हैं, बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही में आज साइफर के खिलाफ जो अपील है शाह महमूद कुरैशी की और बानी पीटीआई की इमरान खान की, उस पर भी आज समाअत हुई, उस पर भी बड़े दिलचस्प मामलात हुए। सलमान सफदर का ये कहना था कि स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ के तहत सजा दी गई है, जबकि जो दोनों हैं इसमें मुलजमान वो सिविलियन हैं, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो जब्तों को पूरा नहीं किया गया, जो जो लवाजमात थे मुकदमे के उनको पूरा नहीं किया गया। अदालत ने हामिद अली शाह से पूछा, जो सबक जज भी हैं और सरकारी वकील हैं, उनका ये कहना था कि जी साइफर केस में अपील नहीं हो सकती। जज तो जज साहब का ये कहना था कि अपील नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है नई पिटीशन होगी, उसमें फिर ये मामला सामने आ जाएगा। उनका कहना था कि नई पिटीशन हो सकती है, अपील नहीं हो सकती, लेकिन तफसीली दलाल सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला कर लिया कि वो अपील सुनेगी। लेकिन अदालत के जो मार्क्स हैं, जो बल्कि फैसला है वो बड़ा दिलचस्प है। अदालत ने ये कहा है कि साइफर केस की अपील अब वो मेरिट पर सुनेगी, यानी इसका एक मतलब तो ये लिया जा सकता है जो पहले अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं या अपीलें सुनी जा रही हैं वो मेरिट पर नहीं है। मैंने अपने रिपोर्टर से भी बहुत तफसील से बात की, उनका भी यही कह रहा था कि केस, मैंने उनसे पूछा कि किस मेरिट की बात करें, केस के मेरिट्स को देखेंगे तो केस के मेरिट्स को तो सिर्फ उसी सूरत में देखा जा सकता है जब अपील की समाज शुरू हो, क्योंकि अभी तो जो उनकी प्रे है उसको देखना होगा। प्रे में जो पीटीआई का ये कहना है कि फैसला सस्पेंड किया जाए, सजा भी सस्पेंड की जाए, माजी में गलती हो गई थी, उन्होंने फैसला सस्पेंड करा लिया था, सजा सस्पेंड नहीं कराई थी, जिसकी वजह से इमरान खान अभी तक नायल है। तो उनका ये कहना था कि सजा सस्पेंड की जाए और फैसला भी सस्पेंड किया जाए, तो ये दोनों चीज़ें जो क्या अदालत इनके मेरिट देखेगी या अदालत ये देखेगी कि इब्तदाई लेवल पर के जी केस का जो फैसला है वो मेरिट पर सुनाया गया है या नहीं। हमारे रिपोर्टर का तो यही कहना था कि जी वो केस के मेरिट पर देखेगी कि फैसला मेरिट पर सुनाया गया नहीं और फिर उसके बाद फैसला उड़ाया जा सकता है, ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। ये कुछ कन्फ्यूजन है, दो रोज़ बाद का नोटिस है, उसके बाद मामला सामने आ जाएगा क्या अदालत क्या चाहती है। नाजिन अब आते हैं 9 मई के मुलजिम की जानी वली अमीन गंडापुर साहब आज इस्लामाबाद तशरीफ लाए। उनके खिलाफ गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन में एक कफील निज़ामी साहब हैं कोई जो के हल्के के हैं गालिबन, उन्होंने ये कहा है कि जी 2018 के जो थे उनके जो क्या कहते हैं असासे वो उसके मुताबिक डिक्लेयर नहीं किए। 2018 में उन्होंने 735 करोड़ राजी का बताया कि बेच कर गाड़ी ली और अब वो गलत बयानी की है उन्होंने अब, और अब उन्होंने क्या कहा ये अभी तक उनकी पिटीशन में बात ये सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है उन्होंने उनका ये कहना है कि ये गलत बयानी की गई है। अली अमीन गंडापुर कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है, ये अप्रैल में ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के एंड तक इसका फैसला हो जाएगा, और अगर कफील निज़ामी ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने झूठ बोला तो अली अमीन को ना आगे किसको भी रोक सकेगा। इसीलिए पीटीआई ये कहती है कि जनाब वो हर बंदा जो अली अमीन ही है, लेकिन पीटीआई की जानिब से ये भी इशारा दिया जा रहा है कि वो एहतजाज करेगी और अडयाला जेल पर एहतजाज करेगी। आज बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा और पीटीआई के लोगों का कहना है कि सोचे कि अगर पूरा पाकिस्तान अडयाला चला जाए ये नहीं होने दिया जाएगा, ये किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा, अडयाला तक लोगों को पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके लिए देखते हैं हुकूमत क्या करती है, जो कुछ भी करना पड़ा वो ज़रूर करेगी, लेकिन ये नहीं होने दिया जाएगा। एक बात तादिन और जो हमने इब्तदा में बात शुरू की थी कि 9 मई का मुलजिम इस्लामाबाद आया, अली अमीन गंडापुर साहब अपने लाओ लश्कर के साथ पूरे तमतराक के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए पार्लियामेंट हाउस में। उस वक्त कोई इंस्पेक्टर साहब थे मुश्ताक, उन्होंने कुछ गेट बंद कर दिया, दाखिले का कुछ मामला था, बाद था
लीमिन गंडा पुरंदर चले गए। उमर अयूब ने भी ये मामला फिर अदालत में माफ कीजिएगा पार्लियामेंट में उठाया, एक रिपोर्ट मांग भी गई है और तीन लोगों में रिपोर्ट कभी पेश की जाएगी इस मामले की। लेकिन अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम से मुलाकात हुई, कहते हैं मैं तो वजीर आजम को मानता ही नहीं, और आज भी वजीर आजम से मिले हैं। और वजीर आजम को एक तो उन्होंने 1500 अरब रुपये उनका कहना है कि वफाक ने पहले जारी नहीं किए तो वो जारी किए जाए, और फिर वो उन्होंने दीगर सूबों की तरह फंड्स जारी करने उनकी बात की। जब आप मानते ही नहीं उनको, लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मानते और ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो आपका मिलकर क्या दरखास्तें कर रहे हैं उनसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे अगर अली अमीन मिलते तो मैं ज़रूर उनसे ये सवाल करता, लेकिन आजकल तो ज़रा ये भी मसला है कि सवाल पूछे तो तब नाजिम को गिरा गुजर जाता है नाजिम। लेकिन भारत आज की जो मुलाकात हुई है उसमें वो अली अमीन गंडापुर साहब एक साहब है जो सैयद साहब है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको वो चीफ सेक्रेटरी लगवाना चाहते हैं और वफाकी हुकूमत ये नहीं चाहती। और अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो असम्बली आई उसमें एक ही नाम है, जबकि रूल्स ये कहते हैं कि तीन नामों की असम्बली आएगी जिसमें से वफाकी हुकूमत एक नाम चूज करेगी। अली अमीन गंडापुर ने एक ही नाम भेजा, ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। और वफाकी हुकूमत वैसे भी जो दोनों के ताल्लुकात है नून लीग और पीटीआई के, उसके तनाजुद में देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर की हर बात तो नहीं मानी जा सकती। लेकिन बहरहाल इसमें चीफ सेक्रेटरी मौजूदा भी थे और आईजी खैबर पख्तूनख्वा भी थे और वजीर दाखिला भी मोहसिन नकवी भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन 9 मई का मुझे मुलाकात के खात्मे के बाद धड़ल्ले से पार्लियामेंट हाउस से रवाना होकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस चला गया, क्योंकि वो पेशावर हाई कोर्ट की जमानत पर है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।